हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आप लोगों को तांबे के बर्तन को मिनटों में कैसे साफ करते हैं उसका एक ट्रिक बताऊंगी। मैंने यहाँ पे एक तांबे का थर्मस लिया है, ये पानी का थर्मस है। और मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून मैंने मीठा सोडा लिया है, बेकिंग सोडा। और 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे नमक लिया है, जितना मैंने सोडा लिया है उतनी ही क्वान्टिटी मैंने नमक लिया है। और एक मैंने नींबू लिया है। तो चलिए इसको साफ करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नींबू को कट कर लेंगे और मीठा सोडा और नमक को हम मिक्स कर लेंगे। हमें दोनों की क्वांटिटी को बराबर रखना है, ये बात हमें याद रखनी है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे दोनों को। अब हम नींबू लेंगे और नींबू को नमक और मीठा सोडा का जो हमने मिश्रण बनाकर रखा है उसमें डिप करेंगे। डिप करके इसको हम लोग थर्मस पे इस तरीके से रगड़ेंगे। अच्छे से उसको डिप करना है, अच्छे से नमक और मीठा सोडा को लगाना है और इसको थर्मस पे रब करते जाना है। ये देखिए इस तरीके से। अगर आपका थर्मस ज़्यादा गंदा है तब इसको साफ़ करने में मैक्सिमम 5 मिनट्स लगते हैं, नहीं तो ये 2 से 3 मिनट में ही साफ़ हो जाता है। ये देखिए इसको इस तरीके से रगड़ेंगे थर्मस के ऊपर नींबू को अच्छे से। ये देखिए इस तरीके से हम रगड़ेंगे इसको। देखिए ये थर्मस हमारा आधा साफ़ हो गया है, आधे से ज़्यादा ये साफ़ हो गया है, आपको देख के पता चल रहा होगा। अच्छे से इसको रगड़ना है नींबू को, बार बार उसमें डिप करेंगे हम नमक और मीठे सोडे में और इसको रगड़ेंगे थर्मस पे इस तरीके से। थर्मस का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको भी हम लोग नींबू से रगड़ के साफ कर लेंगे। नींबू को हमें बार बार मीठे सोडे में और नमक में अच्छे से लगाना है नींबू के ऊपर और फिर उसके बाद थर्मस पे इस पर रगड़ना है। ये देखिए ये पूरी तरीके से साफ हो गया है। ये देखिए थर्मस का ढक्कन जो है उसको भी हम साफ कर लेंगे। अभी आधा नींबू जो रह गया था उससे मैं ढक्कन को साफ करूंगी। हमें मीठे सोडे को और नमक को नींबू के ऊपर अच्छे से लगाना है, फिर उसको रब करना है। ये देखिए इस तरीके से रब करेंगे। अभी जो आधा नींबू रह गया है उसे मैं अच्छे से थर्मस के ऊपर रगड़ लूंगी। ये देखिए थर्मस हमारा अच्छे से एकदम साफ हो गया है, उसका ढक्कन भी एकदम साफ हो गया है। तो अब हम थर्मस को वॉश करेंगे, तो मैं इसको रनिंग वाटर के नीचे वॉश कर लूंगी। ये देखिए इस तरीके से, देखिए थर्मस हमारा बिल्कुल क्लीन हो गया है, आपको देख के पता चल रहा होगा कि पहले कैसा था और अब देखिए अभी कैसा हो गया है। तो देखा आपने कितना आसान है इसको साफ करना। ये देखिए थर्मस बिल्कुल साफ हो गया है। देखिए पहले इसका कलर कैसा था और अभी देखिए अभी इसका कलर कैसा हो गया है, तो ये बिल्कुल नया जैसा हो गया है। और आपने देखा इसको साफ करने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगा और टाइम भी बिल्कुल नहीं लगा, बस फटाफट ये साफ हो गया। तो आप भी इस ट्रिक को एक बार जरूर ट्राई करिएगा। अब हम लास्ट में थर्मस को कॉटन के कपड़े से अच्छे से पोंछ देंगे ताकि थर्मस के ऊपर पानी के धब्बे वगैरह ना पड़े। तो देखा आपने कितना आसान है तांबे के बर्तन को साफ करना। तो आप लोगों को अगर मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।